परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। ये गेम प्ले की वीडियो है और इसमें मैं आपको गेम प्ले के बारे में बताऊंगा और साथ साथ आपको कंकरर कैसे करना है उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा, टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके लिए कंकरर करने में आपकी मदद करेगा। इधर एक आता है, ये लेफ्ट साइड पे एक बंदा, तो अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कंकरर करने में पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने किस में कंकरर करना है, स्क्वाड में करना है, डू में करना है या सोलो में करना है, और टीपीपी में करना है या एफपीपी में करना है। ये पहले आपने डिसाइड करना है। जब ये डिसाइड हो जाएगा तो फिर अगर आपने स्क्वाड में डिसाइड करते हैं तो स्क्वाड में आपके जो 7 प्लेयर हों वो उन सब की गेम ठीक होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और गेम इतनी होनी चाहिए कि अगर हैकर, हाँ ये जो लेफ़्ट साइड पे था ये मुझे नज़र आ गया था, उसकी आवाज़ आई थी तो फिर उसे मैंने किल कर दिया। अब एक और रह गया तो फिर अब मैं सर्कल में जाता हूँ, नहीं इधर पहले मैं लोड करता हूँ। अच्छा जब, लेकिन आप जितने भी होंगे स्क्वाड में आप तकरीबन 4 लोग आने चाहिए। ये ना हो कि आप 2 हों या 3 हों और स्क्वाड में करें, आप 4 लोग होने चाहिए। उस चारों का ये दिल हो कि हमने कंकरर करना है। और अगर आप पहले हफ्ते में एस कर लेते हैं तो आपका कंकरर हो जाएगा, लेकिन पहले हफ्ते में करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए और इसमें लाख की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप स्क्वाड में करते हैं, डू में करते हैं या सोलो में करते हैं, तो सबसे जो पहली टिप्स आपको मैं देना चाहता हूँ, ये टिप्स यूट्यूबर में से किसी ने भी नहीं दी होगी आपको, और ये टिप्स है कि आपने रॉयल पास नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि अगर आप रॉयल पास लेंगे तो आपको साथ मिशन भी करने पड़ेंगे, और मिशन करने पड़े तो फिर आप इधर रैंक पुश नहीं कर सकेंगे। एस तक तो आप कर सकते हैं लेकिन कंकरर फिर मुश्किल हो जाएगा। आप पहले रॉयल पास ना लें, कंकरर करें, एक हफ़्ते में कर लें, तो उसके बाद आप रॉयल पास ले लें। तो अगर आप एक हफ़्ते में, पहले हफ्ते में नहीं करते तो फिर आपको स्टार लगाने पड़ेंगे, और स्टार लगाने पड़े तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि पहले हफ्ते में हो जाए। और अगर स्क्वाड में करते हैं या डू में करते हैं या सोलो में करते हैं तो पहले आपने जब उतरना है तो सेव उतरना है। तो बेहतर यह है कि अगर आपको गाड़ी नज़र आती है तो वो आप पकड़ के चले जाएं, तकरीबन 2000 या 2500 मीटर दूर चले जाएं, तो उधर आप लूट वगैरह करें तो उधर बाट आ जाएगा। अगर स्क्वाड में करते हैं तो 3-4 बाट आ जाएंगे, डू में करते हैं तो 2-3 आ जाएंगे, और सोलो में करते हैं तो 1-2 आ जाएगा। उसके बाद आप जब आ जाए, जोन आ जाए, तो आप सर्कल में ना जाएं,
क्योंकि सर्कल में ज़्यादातर हैकर होते हैं, हैकर स्क्वाड में भी होते हैं, डू में भी होते हैं, और सोलो में भी होते हैं, और उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ज़्यादातर जो मेडिसिन होती है वो आप उठा लें, बैंडेज उठा लें, किटें उठा लें, नलची ड्रिंक, पेन किलर, वो सब उठा लें। और जो एम होती हैं वो आप तकरीबन 100 रख लें या 150 रख लें बस, क्योंकि आखिर में आप जब टॉप 10 में पहुँच जाएँ तो फिर आपको पर एक दो किल हो जाएगा, इतना हो जाए कि आप एक दो किल कर सकें। अच्छा, इधर जो बंदा था वो इस घर में होता है, तो अब सर्कल शुरू हो गया, अब देखते हैं क्या होता है। यार इधर चिकन डिनर हो गया। अच्छा, जिनको ये वीडियो पसंद आई है वो सब्सक्राइब कर दें। तो इधर मैंने कोशिश की है इसे मारने की, लेकिन वो जोन से ही मार गया। और अच्छा भाई, जिनको पसंद आई है तो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। कंकरर करने के लिए बहुत ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स हैं, तो वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती। तो आप कोशिश करें तो हो जाता है कंकरर, क्योंकि मुझे भी एक साहब कहते थे कि नहीं होगा कंकरर, तो मैंने काट लिया। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और अगर मेहनत करें तो हो जाता है कंकरर। इसमें हमें 18 पॉइंट, ये FPP में खेल रहा था तो इसमें चिकन डिनर करना बहुत मुश्किल है। इधर सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो जिनको ये वीडियो पसंद आई वो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो आगे बहुत वीडियो आने वाली हैं। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।